हाय, दिस इज पंखरी एंड वेलकम टू मूवी टॉकीज। कपिल शर्मा के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन क्या उनकी लेटेस्ट रिलीज फिरंगी उनका वक्त बदल पाएगी या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। द फिल्म इज सेट इन 1920s इंडिया और कपिल ने मंगा का रोल प्ले किया है, हु इज अ हैप्पी गो लकी चैप जो उल्टा पैदा हुआ है। इसी वजह से अगर वो किसी आदमी को जिसकी पीठ में मोच आई हो उसे लात मार दे तो उसकी पीठ का दर्द ठीक हो जाता है। मंगा पुलिस में भर्ती होना चाहता है लेकिन हर बार नाकामयाब रहता है, पर एक दिन वो एक ब्रिटिश ऑफिसर की कमर सीधी कर देता है और इनाम में उसे मिलती है ऑर्डरली की सरकारी नौकरी। मंगा पासी के गांव में रहने वाली सरगी से प्यार करता है, लेकिन सरगी के गांधीवादी दादाजी अपनी पोती की शादी किसी अंग्रेज के नौकर से नहीं करवाना चाहते। बट दिस माय फ्रेंड्स इज जस्ट द ट्रेलर। फिल्म में बहुत कुछ और है और वो सब क्या है ये जानने के लिए यू विल हैव टू वॉच फिरंगी। कपिल शर्मा इज इंडियरिंग एज मंगा अ सिंपलटन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। कपिल की एक्टिंग में बहुत ऑनेस्टी है एंड ही कीप्स यू एंटरटेन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई कहता है कपिल शर्मा तो आप बहुत सारी कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं जो यहाँ पर बहुत कम है, सो फैंस ऑफ द कॉमेडियन विल डेफिनेटली बी डिसअपॉइंटेड। ईशिता दत्ता ने सरगी का रोल प्ले किया है, उनके हार्डली कोई डायलॉग्स हैं और वो पूरी फिल्म में सिर्फ सहम और शर्मा रही है। मोनिका गिल इज प्लेइंग राजकुमारी शामली एंड शी इज डन अ गुड जॉब। कुमुद मिश्रा इज गुड एज द मॉरली करप्ट ईवल राजा। राजेश शर्मा ने सरगी के फादर का रोल प्ले किया है एंड ही इज फैंटास्टिक एज ऑलवेज। द रेस्ट ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट टू हैज डन अ गुड जॉब। फिल्म काफी लंबी है एंड दैट्स इट्स अनडूइंग, क्योंकि ये बोरिंग नहीं टायरिंग हो जाती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर है और इसे कम से कम आधा घंटा और शॉर्ट करना चाहिए था। जैसे मैंने पहले भी कहा, कपिल शर्मा की फिल्म से ऑडियंसेस को ये उम्मीद रहती है दैट इट मस्ट बी फुल ऑफ ह्यूमर, लेकिन यहाँ बस थोड़े बहुत कॉमिक मोमेंट्स हैं तो मेकर्स हंसाने में नाकामयाब रहे। अगर इसमें थोड़ी सी कॉमेडी और होती तो शायद ये फिल्म और मजेदार हो सकती थी। स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल है बट इट कीप्स यू एंगेज्ड और उसका काफी क्रेडिट कपिल को जाता है। डायरेक्टर राजीव ढींगरा ने फिल्म ठीक ठाक शूट की है, सेट्स बहुत नकली लगते हैं बट फिल्म में काफी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक रियल पंजाबी फ्लेवर देते हैं। द सॉन्ग्स आर वेरी गुड बट द डायलॉग्स आर क्लीशेड। Overall, it's a half-baked film, but you can watch it if you are a Kapil Sharma fan. It's a family entertainer, तो कोई भी awkward moment नहीं होगा. लेकिन अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा लंबी film नहीं झेल सकते, then you should give it a miss. I give this film a rating of 2.5 stars. So that's all I have for you this weekend. I'll catch you next time with something new and something fresh. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.